हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 1.3 सॉल्व कर रहा हूं। क्लास 9 मैथ का देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द पॉलिसी डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कि एक तो इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और ये बताना है कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिनकी वैल्यू किसी एक पॉइंट पर रुक जाए, जैसे कि ये नंबर 2.5, 3.6, 0.4, 0.002 ये आपके टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग 0.333 का 0.567567567 चलता ही है, ये आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको ये बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36/100। तो इसमें क्या करना है, आपको नॉर्मल डिवाइड करके आंसर लिखना है। तो इस एक्सरसाइज के मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100 है, डिवाइड करेंगे 0.36 आएगा, हम देखेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ओके, ये हो गया हमारा तो कैन यू प्रेडिक्ट दैट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2H3/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कि क्या बिना लॉन्ग डिवाइड की हम ये कह सकते हैं कि 2/7 3/7 की वैल्यू क्या होगी, ये निकाल सकते हैं। कैसे, 2/7 इक्वल्स टू 2 × 1/7 और 1/7 हमें मालूम है 2 × 0.142857 कन्वर्ट करना है। अब आप इसका पिक ले लिया हो, देखो थर्ड का फर्स्ट है 0.6 बार। अब 6 बार मतलब क्या है, 6 बार रिपीट हो रहा है, इसको को पीवाई को फॉर्म में करना है। तो लेट क्या, लेट x equals to 0.6 bar, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि 0.6666 खत्म ही हो रहा है। ओके, अब देखो नंबर कितने बार पे है, बार जो है एक नंबर पे है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो नंबर के ऊपर बार होगा 100 से, तीन पे होगा 1000 से। जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने जीरो आप इंक्रीज कर देना। इसमें एक नंबर बार है, इक्वेशन 1 मान लो, कहते हैं मल्टीप्लाई by 10, so 10x 6.6666 खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन 2 आ गया, अब इस सिचुएशन से इसको सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो अगर हमने यहां से इसको सबट्रैक्ट करेंगे 10 में से x किया तो बचेगा 9x,
6.66 में से 0.666 जाएगा, तो ये 0.66 से है, ये 0.666 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, सिर्फ 6 बचेगा। तो x equals to 6/9 कैंसिल आउट, x equals to 2/3 ये आएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा हो, बहुत इजी कांसेप्ट है। इसी तरीके से अब इसे थर्ड क्वेश्चन है 0.001 2 के लिए देता हूं, जो 2 पार्ट है उसमें 0.47 बार है, मतलब है 0.47777 होगा, 4 को 4 का 1 कर देना, तो बार से 7 के ऊपर में इसे आप पेंसिल मिल जाएगा, हो गया आंसर इसका 43/99 आएगा। सेपरेटर काम को मैं थर्ड पार्ट 0.001 के ऊपर बार है, के ऊपर में बार है। अब इस बार तो गलत होगा, तो क्या है तीन जीरो के बाद बार है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। लेट एक्स इक्वल्स टू 0.001001001 पे बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000x equals to 1, देखो यहाँ पॉइंट है 3 डिजिट, 1, 2, 3 यहाँ पे आएगा 1.001001। सेकंड इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे पॉइंट का सेम डिजिट जा रही है, यहाँ भी पॉइंट का सेम डिजिट जा रही है, ओके सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वन से टू स्प्रेड करेंगे क्या आएगा 999x = 1 upon 999 ये हो गया हमारा एक आंसर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का खेल है। फिफ्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p / q, ऑल सरप्राइज बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स discuss why the answer makes sense, कि क्या ये कह रहा है कि क्या 0.999 p by q form में हो सकता है, देखते हैं होता ही नहीं होता है, ओके इस पे काम करता हूं मैं, सब जैसे आ जाता हूं, सिर्फ 0.9 निकालना है हमें, ये बता दिया मैंने और ये बता देता हूं, चलो इतना ही बता दो, तो हम क्या है हमारे पास 0.9999 खत्म ही हो रहा है, तो x को 0.9999 दे दिया, 9 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x आएगा यहाँ पे, 9.999 आएगा, ओके अब देखो सब्ट्रैक्ट हो गए, 10 से 1 गया 9x, 0.99 सब कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 0 गया बचा 9, f equals to 9/9 कैंसिल आउट, 1 आंसर, वाकई में ये तो सरप्राइजिंग आंसर है, कुछ गलती नहीं क्या, मैंने चेक करते कुछ गलती नहीं क्या, मैंने x को 0.99 ले लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है 10x हो गया, 9.99 हो गया, सब्ट्रैक्ट मैंने बिल्कुल सही किया है, चलिए सब्ट्रैक्ट भी चेक कर लेते हैं, 9.9999 ऐसा रखना, आपको चेक कर लेना है 9.9999 9 ही आएगा भाई, यहाँ 0000 आएगा, सही बात है, सब्ट्रैक्टिंग मैंने सीख लिया, इसी से क्या सीख लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है, सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन 0.999 का जो है प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है, आई मीन सॉरी रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी जगह 998 होता, 98 या 989 तो भी हो जाता, ठीक है, लेकिन सिर्फ 999 का पॉसिबल नहीं है, ओके यही है फिर डिस्कशन, आई होप आपको समझ आ रहा हूं।